स्टूडेंट्स, आई एम पुनी फ्रॉम प्रेप किड बा क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इस चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम कई टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। It has been found that employers prefer those people who have good self-management skills. For example, a person showing good self-management is able to calm down, not yell or act out in moments of anger or frustration. You may notice your teen becoming less volatile than they were at younger ages as they develop their self-management. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट है क्या? हम हर रोज डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं। इन डिफरेंट सिचुएशंस में हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें या मैनेज करें, उसकी एबिलिटी को ही हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का आज हमारी लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस लाइफ हो, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रखने से पहले ये देखता है कि क्या उस पर्सन में गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं। जैसे अगर आपके पास कोई आदमी आता है और वो कुछ आपको ऐसा बोलता है कि आपको एंगर, गुस्सा आ जाता है या फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो जो आदमी के पास गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो उसी समय रिएक्ट नहीं करता। वो अपने आप को शांत रखता है और उस सारे एटमॉस्फेयर को प्रॉपरली मैनेज करता है, ठीक है। हम जब छोटे बच्चे होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो छोटे होते हम ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, किसी न किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं। पर जब हम जू जू बड़े होते जाते हैं, तो हमारे में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। Self management can help in number 1, get rid of the negative thoughts in your head. Number 2, positive thinking. See problems as opportunities. Number 3, to be happy with small things. 4th, time management. Replace the word cannot with can. 5th, reaching your goals. Self management ke kya fayde hain, kya advantages hain, ye hamari kaise help karta hai? अगर हम अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मन में, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं या उनसे हम पीछा छुड़वा लेते हैं और हम में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें। हमारी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उससे ही खुश होने का प्रयास करते हैं। हम अपने जो टाइम है हमारे पास, ये बहुत कीमती है। आप सबको पता है कि किसी का भी टाइम जो है आज के समय में बहुत कीमती है। ये टाइम ही है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। एक बार टाइम गया तो वो वेस्ट हो गया, ठीक है। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी ये सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती है, और सेल्फ मैनेजमेंट से हम अपने गोल्स, हमारे लाइफ में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। Number 1, self-awareness. We should think about our daily interactions, how you handle situations, how you could handle those situations in a better way. Knowing yourself as an individual, your likes, dislikes, strengths and weaknesses. Number 2, self-control. Ability to control your behavior, discipline, etc. Number 3, self-confidence. Believing in your
बिलीविंग इन योर सेल्फ डेट यू कैन डू एनी टास्क डेट इज गिवन टू यू। नंबर फोर्थ है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज द फोर्स और मोटिवेशन विच कम्स फ्रॉम विद इन एंड पुशेस यू टू डू थिंग्स एंड टू अचीव सक्सेस इन पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। सेल्फ मैनेजमेंट में कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहले नंबर पर है सेल्फ अवेयरनेस। हम हर रोज कोई ना कोई किसी के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हर रोज अपने मन में सोचें कि हमने आज दिन भर क्या किया और जिस जिस सिचुएशन को हमने हैंडल किया, क्या हम उस सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल कर पाए या नहीं। हमें अपने लाइक्स डिसलाइक्स स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में अवेयर होना चाहिए। नंबर सेकंड है सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नंबर थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें ये अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हमें अगर मैडम ने कोई काम किया, सपोज करो टीचर ने कोई काम दिया है, या अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे सीनियर ने हमें कोई काम दिया है, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ही कोई फोर्स होती है, मोटिवेशन होती है जो हमें किसी काम के लिए आगे बढ़ाती है और ताकि हम आगे अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में तरक्की कर सके। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको अगर मोटिवेट करना है तो टीचर को चाहिए कि उसके छोटे छोटे काम में उसको हार्डवर्क को उत्साहित करे और कि उसकी प्रशंसा करे कि उसने हार्डवर्क किया है, ठीक है। फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर टास्क। If any work has been assigned to us by our teacher, we should try our level best to complete the same in the prescribed time limit. Sixth, time management. Make a timetable and follow it. Seventh, adaptability. Keep yourself updated with new information. Prepare yourself for new changes so that you can transition seamlessly. If you want to succeed in your personal as well as professional life, you must improve yourself in the above skills. Number fifth है problem solving. हमें किसी भी problem को अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसके कौन कौन से solution है और best solution कौन सा है उसको चुनना चाहिए। Number sixth है responsibility. हमें जो भी काम दिया जाता है हमें उसकी responsibility on करनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो हमें टीचर ने कोई काम दिया है तो हमें चाहिए कि हम पूरे अपनी कोशिश लगाकर उसको समय के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। हमें चाहिए कि अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। अगर कोई हम टाइम टेबल नहीं बनाते, हमें चाहिए कि टाइम टेबल में लिखें कि ये हमें प्रायोरिटी पर ये काम पहले करना है, ये सेकेंड नंबर पर और ये थर्ड नंबर पर जो लेस इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये काम ना भी होगा तो कोई बात नहीं। जो आप कोई भी सक्सेसफुल लीडर्स जो बिजनेस लीडर्स हुए हैं या जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उन्होंने अपना टाइम कभी भी इररिलेवेंट कामों में और छोटे छोटे कामों में वेस्ट नहीं किया। उन्होंने प्रॉपरली जिस काम को जितना समय चाहिए उस हिसाब से, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, जो जितना इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से उसको ज़्यादा टाइम दिया। अगला पॉइंट है अडैप्टेबिलिटी। हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस है, कोई शॉप चला रहे हैं, हमें चाहिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो अगर एजुकेशन फील्ड में उसके बारे में, उस सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। हमें अगर कोई शॉप चला रहे हैं तो हमें चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, अपडेट होना चाहिए। और जो चेंजेस आ रहे हैं चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, आजकल जैसे कोरोना वायरस है तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बच्चों को चाहिए कि वे अपने आप को समय के अनुसार अडाप्ट करें कि न्यू टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने ये ऊपर जो प्रॉब्लम्स हम स्किल्स डिस्कस किए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, इन सब स्किल्स में हमें अपने आप को डेवलप करना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइफ विदाउट स्ट्रेस कैन नॉट बी इमेजिन्ड। इफ यू आर वरीड दैट यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन और इफ यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ, देन यू आर अंडर स्ट्रेस।
स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच पर्सन इज टेंस्ड एंड वरीड. द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय अ डेडलाइन टू फिनिश अ पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम. But excess stress or stress for a long period of time can harm our emotional and physical health and limit our ability to function well at home, in school, and within our relationships. People who have large amounts of stress can become tired, sick, and unable to concentrate or think properly. आज के युग में हर एक को स्ट्रेस है. स्ट्रेस के बिना किसी की भी लाइफ नहीं है, चाहे वो छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई भी घर में कोई रह रहा है उसके अंदर भी स्ट्रेस है या ऑफिस में जा रहा है उसके भी हर तरह से स्ट्रेस है. अगर आपको दिमागी तौर पर कोई परेशानी है, स्टूडेंट्स को तो एग्जाम की परेशानी होती ही होती है, अगर आप डर रहे हैं कि मैं कहीं लाइफ में अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं, तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं. स्ट्रेस कोई भी वह कंडीशन है जिससे कि आपको टेंशन होती है, दिमाग में वरी होती है. स्ट्रेस जो होता है इसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है या पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है. अगर आपके पास पेपर में, आप पेपर एग्जाम में हैं और पेपर लिख रहे हैं, आपके पास टाइम लिमिट है कि 3 घंटे में आपने पेपर खत्म करना है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस है, आप उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे. इस तरह स्ट्रेस के कारण आप मोटिवेट हुए और आपने अपने पेपर को 3 घंटे में पूरा करने की कोशिश पूरी की, ठीक है. पर अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा, ठीक है, या आप काफी समय से एक स्ट्रेस में स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट नेगेटिव होगा. और इससे क्या होगा, आपके घर में या स्कूल में और आपके रिलेशनशिप्स में जो भी है वो बैड इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का. अगर आप ज्यादा स्ट्रेस रखते हैं, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, तो इससे क्या होता है, आप अपने में थका थका महसूस करते हैं, हो सकता है आप बीमार हो जाएं और आप किसी भी काम पर प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. जैसे कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं एग्जाम में पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं, एग्जाम आ रहे हैं कि मैं उसमें प्रॉपरली परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, वो ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वह अपनी पढ़ाई पर, अब जो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा. और किसी भी सपोज को मैथ कर रहा है तो उसके प्रॉपरली सम्स नहीं निकाल पाएगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा. In the case of stressful situation, our body responds by releasing stress hormones. This is called stress response or the fight or flight response. Muscles become tense and the heartbeat increases. जब हम किसी भी stressful situation में होते हैं, तो हमारी body जो है, उस वो release करती है stress hormones. इसको stress response और fight और flight response कहा जाता है. Stressful होने पर हमारे muscles जो होते हैं, वो tense हो जाते हैं. और जो हमारी हार्ट की बीटिंग है वो बढ़ जाती है, फ्रीज हो जाती है. नेक्स्ट है 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस. फर्स्ट, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड. लुक आउट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज हेडेक, टू मच स्वीटिंग, सैडनेस, नर्वसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एक्सेट्रा. ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस. नंबर 2, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. Find out the reason for your stress. The cause of stress may be having a heavy workload, risk of termination, death of a loved one, divorce, increase in financial obligations, chronic illness or injury, emotional problems, depression, guilt, etc. ये 3 steps दिए गए हैं कि stress को हमने कैसे manage करना है. सबसे पहला point है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम stressed हैं, क्या हमें कोई worry है. जैसे अगर हमें हेडेक हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही, पसीना आ रहा है, हम बहुत दिनों से उदास चल रहे हैं, हम नर्वस हैं, या हम अपनी पढ़ाई पर या अपने काम पर, कोई भी काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या हमें रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, तो हमें ये साइन है किस बात के कि हमें स्ट्रेस है. अगर हमें ये पता होगा कि हमें स्ट्रेस है, ताही हम इसको मैनेज करने के बारे में आगे सोच सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस, कि हमें किन कारणों से, कौन से काजेज हैं जिनके कारण हमें स्ट्रेस हो सकता है. स्ट्रेस किसी कारण भी हो सकता है, जैसे हैवी वर्कलोड हो सकता है, आपको जो टीचर है बहुत ज्यादा आपको होमवर्क दे रही है, या हो सकता है आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर
बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत जाता है, हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये डर सता रहा हो कि कहीं हमें नौकरी से टर्मिनेट तो नहीं कर दिया जाएगा। वो स्ट्रेस के और भी क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे किसी फास्ट फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाए, उसका भी स्ट्रेस आ जाता है। और कई बार हमारे खर्चे जो आज के युग में ज़्यादा हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो है फाइनेंस के तौर पर खर्च ज़्यादा हो रहा है और हमारी इनकम कम है, ये भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हम इस जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हमारे घर के खर्चे हैं हम उसको कैसे चलाएं। जब हो सकता है हमारा कोई डियर एंड नियर एंड डियर वन उसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई है या उसको कोई इंजरी जो है वो सीरियस नेचर की हो गई है, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार हमें गिल्ट महसूस होता है, मन के अंदर आत्मग्लानी जिसे कहते हैं वो भी महसूस होता है। नंबर थर्ड, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। वी कैन मैनेज स्ट्रेस बाय फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, लेजर एक्टिविटीज, नेचर वॉक्स एंड स्पेंडिंग टाइम इन हॉबीज सच एज कुकिंग, प्लांटिंग, पेंटिंग, टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अब स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, इसके लिए हम कोई भी हो सकता है एक्सरसाइजेस को चूज कर सकते हैं या स्ट्रेस को रिलीफ अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, लेयर एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेयर एक्टिविटीज जैसे हम किसी गेम खेल सकते हैं या हो सकता है हम टीवी वगैरह में कोई शो देख लें हल्के फुल्के, हम हो सकता है किसी पार्क में वॉकिंग वगैरह कर लें, या हमारी कोई भी हॉबी हो सकती है कुकिंग की, प्लांटिंग की, पेंटिंग की, इनमें अपना टाइम स्पेंड करें और इससे क्या होगा हमारे स्ट्रेस जो है दिमाग का वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपने किसी नियर एंड डियर, अपने फास्ट फ्रेंड या किसी क्लोज रिलेटिव से डिस्कस करें ताकि वो हमें इससे भी हमें स्ट्रेस में रिलीविंग होती। हो सकता है वो आपको कुछ मेथड भी इसको सिखा दे कि क्या आपको स्ट्रेस कैसे दूर हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। Some stress management techniques are as under. Number one, time management. It is rightly said, time and tight wait for none. We should understand the value of time. People who waste time never succeed in life. Time management refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Number two, physical exercise. Physical exercises, yoga, meditation, walking or playing in the park keep your body fit and help in managing stress. Stress management techniques जो होती हैं हम वो देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं स्ट्रेस को दूर करने की। सबसे पहली है टाइम मैनेजमेंट। किसी ने ठीक ही कहा है कि टाइम और टाइड वो किसी की वेट नहीं करते। हमें समय की कीमत को जानना चाहिए। हम समय को किसी प्रकार से खरीद नहीं सकते। जो समय एक बार बीत गया वो कभी दोबारा हाथ में नहीं आता। अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग है कि हम अपना जो भी टाइम है उसको इफेक्टिवली मैनेज करें और वेस्ट बिल्कुल ना करें, ताकि जो काम इंपॉर्टेंट है उसको ठीक समय पर करें, जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है इंपॉर्टेंट को पहले और कम इंपॉर्टेंट को बाद में। नंबर टू है फिजिकल एक्सरसाइज। हमें चाहिए कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन, प्लेइंग इन द पार्क, इससे हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नंबर थ्री, हेल्दी डाइट। हैविंग अ हेल्दी डाइट विल आल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट सच एज दाल, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव यू दिस स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली। Number four, positive thinking. If we focus on negative aspects of life, we will feel more successful. Instead, we should have positive thinking. For example, if we do not get good marks in examination, we should not feel upset. Rather, try to maintain a positive attitude and look at ways to improve the next time. Fifth, organizing academic life. Keeping your class notes in organized manner and finishing your assignments in time can relieve you from stress to a great extent. Number third है healthy diet. अगर हम healthy diet लेते हैं, यानी कि हम दाल, रोटी, vegetables और fruits लेते हैं, तो हमारे शरीर में proper strength रहती है और हम अपने काम को
जो भी हमें डेली वर्क है हम एफिशिएंटली कर सकते हैं और इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा, हम फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो हम अपना कोई भी काम जो भी असाइंड है या हम जो भी करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे और इससे हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, हम जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए पॉजिटिवली। जैसे अगर सपोज करो हमारे मार्क्स जो है एग्जाम में अच्छे नहीं आए तो हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए पॉजिटिव कोई बात एटीट्यूड रखना चाहिए, कोई बात नहीं हम दोबारा मेहनत करेंगे और जो जो कमियां हमें रह गई हैं या जो जो इम्प्रूवमेंट हमने करनी होगी हम वो करेंगे ताकि हम आगे से अच्छे मार्क्स ले आए, यही है पॉजिटिव थिंकिंग। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, हम टीचर जो है वो हमें क्लास में नोट्स देता है, सपोज करो हम आज क्लास नोट है इस एक कॉपी पर नोट करते हैं, दूसरी बार जब टीचर के पास पढ़ने जाते हैं ट्यूशन तो दूसरी कॉपी ले जाते हैं उसमें नोट्स उतार लेते हैं, तीसरी बार जाते हैं तो दूसरी वाली का पता नहीं तीसरी में लिखनी शुरू कर देते हैं, पर जब एग्जाम आएगा तो हम तीनों कॉपीज को तो नहीं ना देख पाएंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए कि एक सिस्टम में हम अपने क्लास के नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखें कि कहाँ लिखे हैं, एक सब्जेक्ट के एक क्लास नोट एक ही जगह पर रखें ताकि जब हमें एग्जाम का टाइम आए या हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली तरीके से करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम मिल जाता है और हम जैसे उदाहरण दी क्लास नोट की तो हमें एक ही जगह पर वो क्लास नोट मिल जाएंगे और हम उसकी तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे और इससे क्या होगा हम पेपर के टाइम पर एग्जाम्स के टाइम पर हमारे दिमाग में स्ट्रेस कम होगा कि ये कॉपी ढूंढने के ये ढूंढने, एक जगह आपको नोट्स मिल गए आप तैयारी करेंगे और एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिक्वेट स्लीपिंग, वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours एट नाइट सो दैट आवर बॉडी एंड ब्रेन गेट्स रिचार्ज टू फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे। 7, हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, गोइंग टू योर रिलेटिव्स हाउस और ए न्यू प्लेस ड्यूरिंग योर समर वेकेशन कैन हेल्प यू ब्रेक फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन एंड कम बैक अफ्रेश। 6th पॉइंट है एडिक्वेट स्लीपिंग, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से मेहनत बहुत करता है, ठीक है, तो शरीर क्या होता है दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से रात तक थक जाता है, इसलिए हमें क्या चाहिए चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो या माता पिता ही क्यों ना हो, हर कोई शाम तक रात तक पूरी तरह अपने अपने काम, बच्चा पढ़ाई करके माता पिता अपने अपने काम करके थक जाते हैं, इसलिए हर एक को चाहिए कि वो कम से कम 7 घंटे रात को नींद ले, इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी और जो ब्रेन है वो दोबारा रिचार्ज हो जाता है कि अगले दिन हमने फिर अच्छे से अपना काम जो भी हमें है बच्चों का है पढ़ाई करना माता पिता का अपनी तरह का काम है वो अपने काम में अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटीज कर सकते हैं। 7th पॉइंट है हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब हमें गर्मियों में या सर्दियों में कुछ छुट्टियां होती हैं हमें चाहिए कि हम कहीं घूमने चले जाएं या रिश्तेदार के घर चले जाएं, इससे क्या होता है हमारे हमें एक रूटीन जो नॉर्मल रूटीन है उससे एक ब्रेक मिल जाता है और हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम दोबारा काम पर अच्छे तरीके से लौट सकते हैं। नेक्स्ट है 4 types ऑफ स्ट्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टिमुलस स्ट्रेस मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 different types। नंबर 1 सर्वाइवल स्ट्रेस, व्हेन ए पर्सन फियर्स दैट समवन और समथिंग मे फिजिकली हर्ट हिम द बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड्स विद द बर्स्ट ऑफ एनर्जी सो दैट ही विल बी बेटर एबल टू सर्वाइव द डेंजरस सिचुएशन और एस्केप इट ऑल टुगेदर, दिस इज सर्वाइवल स्ट्रेस। नंबर 2 है इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस इज स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम विद इन अस एंड इज ऑफन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेस, वी ऑफन वरी अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल वेदर वी आर गोइंग टू लूज आवर जॉब एंड सच लाइक वरीज कॉज अस स्ट्रेस। यहाँ पर स्ट्रेस की 4 types दी गई हैं, पहला है सर्वाइवल स्ट्रेस, जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज हमें फिजिकली हार्म कर सकती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है वो अपने आप में से एक एनर्जी रिलीज करती है हमारी बॉडी ताकि हम उस डेंजरस सिचुएशन से या तो लड़ सकें फाइट कर सकें या उससे फ्लाइट कर जाएं या उससे भाग जाएं, ठीक है, दिस इज सर्वाइवल स्ट्रेस। 2nd पॉइंट है इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है जो हमारे अंदर से स्ट्रेस आता है
ये आमतौर पर जो स्ट्रेसेस होते हैं ना, ये उनमें से एक मेन टाइप है, काज है स्ट्रेस का। हमें आमतौर पर क्या लगता है, हम सोचते रहते हैं किन चीजों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमें डर लगता है कि क्या मैं पेपर में पास हो पाऊंगा, क्या मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। इस तरह की अननेसेसरी जो वरीज है ना, हम जो दिमाग में लाते हैं, इनसे हमें स्ट्रेस होता है। नंबर थर्ड है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सम एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट कॉज स्ट्रेस सच एज नॉइज, क्राउडिंग एंड प्रेशर फ्रॉम वर्क और फैमिली। आइडेंटिफाइंग दीज एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड लर्निंग टू अवॉइड देम और डील विद देम विल हेल्प टू लोअर स्ट्रेस लेवल। नंबर फोर्थ, फैटिक रिलेटेड स्ट्रेस। इट कैन बी कॉज्ड बाय वर्किंग टू मच और टू हार्ड एट योर जॉब, स्कूल और होम। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय नॉट नोइंग हाउ टू मैनेज टाइम और हाउ टू टेक टाइम आउट फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एनवायरमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे नॉइज, क्राउडिंग, प्रेशर फ्रॉम वर्क और फैमिली, ये भी है स्ट्रेस का कारण बनते हैं। सपोज करो हमारे फैमिली में कोई ज़्यादा काम बाकी नहीं करते और आपके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ है, या ऑफिस में आप काम करते हैं तो उस ऑफिस में भी आप में वर्कलोड ज़्यादा है, या आसपास जहां आप काम कर रहे हैं वहां नॉइस बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जो इन्वायरमेंटल कॉसेज होते हैं, वे भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं। हमें चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें स्ट्रेसफुल कर रहे हैं, हम वरी होती है जहां से, तो उनको हम डील कर रहे हैं ताकि इससे हमें स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा। अगला है फटीग रिलेटेड। क्या कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या बहुत ज्यादा काम करते हैं दिन भर, ठीक है, या स्कूल में या घर पे, इससे क्या होता है हम पूरी तरह से थक जाते हैं, फटीग हो जाती है, तो इससे भी हमें स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है कि काम इतना ज्यादा होता है कि आप ये नहीं सोच पाते कि हम कौन सा काम पहला करें, कौन सा बाद में करें, क्या मुझे रेस्ट के लिए भी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीजों से भी हमें स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस। टू मैनेज स्ट्रेस सक्सेसफुली वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट कॉजेस स्ट्रेस इन अस। व्हेन वी आर इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स बाय पंपिंग adrenaline so that the muscles become tense and the heartbeat increases. Everyone is different. There is no single level of stress that is optimal for all people. Some are more sensitive than others due to experiences in childhood, the influence of teachers, parents, religion, etc. in sleeping, high BP, abnormal heartbeat, etc. अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के, और हम में से कौन कौन से कारण हैं जो हमें स्ट्रेस डालते हैं, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले आते हैं। अगर हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, हमें कोई टेंशन है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन रिलीज करेगी। ये एक केमिकल है जो रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर से, और इससे क्या होता है हमारे जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं और हार्ट बीट पड़ जाती है। हर एक मनुष्य, भगवान को जो ने जो मनुष्य बनाए हैं, डिफरेंट पर्संस की डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनकी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लेवल का स्ट्रेस हम डिफरेंट पर्संस के लिए रख दें, कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रख दें कि हर एक पर्सन जो है इसी तरीके से रिएक्ट करेगा उसमें। हर एक का लेवल स्ट्रेसफुल जो है, बल्कि स्ट्रेस को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा कोई भी पर्सन, वो हर एक का डिफरेंट लेवल होता है उसका रिएक्शन का। कोई पर्सन जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लेस सेंसिटिव होते हैं। जो सेंसिटिविटी है वो कई बातों पर डिपेंड करती है कि हमारे जो चाइल्डहुड में हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हमारे माँ बाप ने हमें क्या शिक्षा दी है या पेरेंट्स ने, या हमारा रिलीजन क्या है, ठीक है, या हमारे बीपी की क्या प्रॉब्लम है, या हार्ट बीट आपका नॉर्मल रहता है कि नहीं रहता, इन सभी चीजों से हमारा जो है सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। Sometimes we fail to identify symptoms of stress in us because we are living with stress for a long time. However, to manage stress effectively, we must be able to identify the various signs of stress in us when we observe them. Symptoms of stress may be headache, too much sweating,
sadness, nervousness, lack of concentration, biting our nails, difficulty in sleeping, high BP, abnormal heartbeat, etc. Number 2, causes of stress. The cause of stress may be having a heavy workload, risk of termination, death of a loved one, divorce, increase in financial obligations, chronic illness or injury, emotional problems, depression, anxiety, guilt. कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता लगता कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं या नहीं है, क्योंकि हम काफी समय से स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, तो हमें ये पता नहीं लगता कि हम क्या हमें सचमुच में स्ट्रेस है या नहीं है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि हमें स्ट्रेस है, तभी तो हम कोई एक्शन ले सकेंगे। हो सकता है हमें सिर दर्द हो, ज्यादा पसीना आता हो, सैडनेस हो, नर्वसनेस हो, हमारा बीपी हमेशा बढ़ता रहता हो, या अबनॉर्मल हार्ट बीट हो, या हम नाखून काटते रहते हो, या हमें रात को ज्यादा मतलब कि प्रॉपरली नींद नहीं आ रही। इनमें से मतलब कि कोई भी साइन हो सकता है जो ये शो करता है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, मतलब कि हमें दिमाग में कोई ना कोई वरी है। ठीक है, स्ट्रेस के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि स्टूडेंट के तौर पर आपके पास मैडम ने ज्यादा वर्क रोज दे रही है, होमवर्क के तौर पर ज्यादा है, ऑफिस में या ऑफिस में भी हो सकता है आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो, या आपको अपनी जॉब को खोने का डर है, या किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, या किसी को कोई मेजर इलनेस हो गई है, या इंजरी हो गई है, और डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। इनका जो ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपके स्ट्रेस का। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, we should develop in us the ability to work independently, one of the foremost qualities employers look for in their employees, in the ability to work independently. A person having the ability to work independently means that he is able to work without direct supervision all the time. He takes the initiative rather than being told what to do. He recognizes his mistakes and not blaming others. He has the ability and the will to learn continuously. He can understand the operational environment and adapt accordingly. अब हमारे को क्वेश्चन है ability to work independently. हमें अपने आप में ये ability develop करनी चाहिए कि हम कोई भी काम जो है वो independently कर सकें। जब कोई person किसी को नौकरी पर रखता है तो वे क्या देखता है अपने employee में, वो देखता है उसमें कि क्या ये अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वह क्या डायरेक्ट सुपरविजन के बिना अपने आप, मतलब कि उसकी सुपरविजन हम ना करें, क्या वो अपने आप काम कर लेगा सारा दिन? ठीक है, क्या वह अपने उसको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि उसको ये काम करो ये करो, वो अपने आप इनिशिएटिव लेता है और काम करता रहता है। वह व्यक्ति जिसके पास इंडिपेंडेंटली काम करने की एबिलिटी है, उसको वह क्या करता है, वो अपनी मिस्टेक्स को देखता है कि उसने कहां कहां गलती की है, और उस गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो उन गलतियों को रिकॉग्नाइज करके उनका जो रिमीडियल एक्शन लेना है, मतलब कि उनको ठीक कैसे करना है, वो उस पर स्टेप्स लेता है। वह जो है लगातार कोई भी चीज उसको जो सीखनी है वो सीखता रहता है। क्योंकि आज के युग में जैसे सपोज करो बच्चे हैं, वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि अपना काम करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन पर जाकर आजकल अगर कोई बच्चा समझदार है वो अपनी पढ़ाई को इंडिपेंडेंटली कर सकता है। वो जाएगा, ठीक है मैडम टीचर्स की हेल्प चाहिए, वो ऑनलाइन जो है वो भी सर्च कर सकता है, ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च करके अपने वीडियोज देख सकता है। हम अगला पॉइंट है ही कैन अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। ये वही बात हो गई कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को समझना। आज के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो आज के युग में जब कोरोना वायरस है, वो अपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं कि हमें जब हम स्कूल में नहीं जा पा रहे तो हमें घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, या यूट्यूब पर सर्च करके हम कैसे क्लासेस ले सकते हैं, और अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करके आगे कैसे बढ़ना है। Emotional intelligence is the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others. Emotional intelligence generally includes at least three skills. Number one, emotional awareness, the ability to identify and name one's own emotions.
नंबर टू मैनेजिंग इमोशंस द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम नंबर थ्री हार्नेसिंग इमोशंस द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अब हमारे पास क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग है कि हम अपने आप में ऐसी एबिलिटी लाएं या हमारे में ऐसी एबिलिटी होना कि हम आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके क्या अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको हमने कैसे मैनेज करना है इमोशनल इंटेलिजेंस में तीन तरह की स्किल्स आती है इमोशनल अवेयरनेस कि हम आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उन इमोशंस को हमने कैसे मैनेज करना है ठीक है और तीसरा है हमने उन इमोशंस को अप्लाई करना है किसमें टास्क में थिंकिंग और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन इमोशंस को यूज करना है Knowing how to manage one's emotions is critical for all of us. We can easily overcome failures if we can keep our emotions in check. Emotional intelligence can also help you have better relations with your friends and family. Let us take an example. Ram and his best friend Shyam were studying in the same class. In the exams, Ram stood first in the class and Shyam was on the second position. Shyam felt extremely sad and dejected. He shouted at Ram unnecessarily, cried, and also did not talk to his parents for 3 to 4 hours. On the contrary, if Shyam was emotionally intelligent, he would have accepted his second position in the class gracefully and resolved to do better in the next examination. अगर हम अपने emotions को control कर लेते हैं कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो इससे हम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हैं इस इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं उसको मैनेज कर पाते हैं तो हम इससे अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं एक एग्जांपल है राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं वो किसी डांस कॉम्पिटिशन में गए वो दोनों प्रैक्टिस करते थे डांस की एक ने डांस किया दूसरे ने भी किया पर एक के नंबर ज्यादा आ गए उसको सिलेक्शन हो गई डांस कंपटीशन में और दूसरे की डांस में सिलेक्शन नहीं हुई ठीक है और जो पहला था जो सिलेक्ट हो गया वो ठीक है जो सिलेक्ट नहीं हुआ डांस कंपटीशन में उसने अपने आप को अपसेट कर लिया वो उदास हो गया ठीक है ना और उसने जो जीत गया है डांस कॉम्पिटिशन में आगे निकल गया है उसको मतलब कि उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया उसके उसके पर गुस्सा हो गया इससे क्या होगा कुछ भी नहीं होगा ठीक है वो अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वह क्या करेगा वो सोचेगा कि ठीक है मेरी कोई शॉर्टकमिंग रही होगी मेरी कोई वीकनेस होगी कोई बात नहीं मैं अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करूंगा और मन में पक्का है मेरे कि मैं आगे मेहनत करके फिर सक्सेसफुल होऊंगा Being emotionally intelligent enhances your chances of success and a balanced life. Some steps to manage emotional intelligence are as given below. Number one, understand your emotions. Observe your behavior and note the things you need to improve. Number two, rationalize. Do not take decisions abruptly. Be rational in your thinking. Number three, practice. Do meditation and yoga to keep yourself calm and free from stress. अगर हम emotionally intelligent होते हैं तो इससे क्या होता है हमारे life के successful होने के और balanced life lead करने के chances बढ़ जाते हैं हम अगर emotionally intelligence को अपनी maintain रखना चाहते हैं या manage करने चाहते हैं अपने emotions को तो इसके कुछ steps हैं हम अपने emotions को समझें हम अपने बिहेवियर को समझें और उस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में सोचें दूसरा स्टेप है रैशनलाइज हमें कोई भी डिसीजन जो है वो सडनली अब्रप्टली नहीं लेने चाहिए हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए प्रैक्टिस हमें क्या करनी चाहिए मेडिटेशन करें योगा करें इससे क्या होगा हमारा मन शांत होगा बॉडी एनर्जेटिक होगी और हम जो स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं हमें कुछ स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी
फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग आवर स्ट्रेस, थॉट्स, इमोशंस एंड बिलीव्स। एंड ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस इज नॉट ईजी। ऑल ऑफ अस यूजुअली थिंक ऑफ आवर सेल्फ दैट वी आर वेरी ग्रेट। एक्चुअली ऑल ऑफ अस हैव अ यूनिक मिक्स ऑफ गुड एंड बैड ट्रेट्स, बट वी आर लार्जली अनअवेयर ऑफ देम। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस ऑफ फॉल्स एटीट्यूड्स और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रिक्वायर्स पीस ऑफ माइंड, टाइम, अटेंशन एंड फोकस। एनालिसिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हेल्प्स यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन है सेल्फ अवेयरनेस का क्या मीनिंग है। सेल्फ अवेयरनेस का मीनिंग है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कि हम में कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं और हम में कौन सी वीकनेसेस हैं। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, हम अपने स्ट्रेस जो हमें टेंशन है, वरीज हैं, उनको मॉनिटर करते हैं और इसके अलावा हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को भी मॉनिटर करते हैं। हम अपना जो सेल्फ अवेयरनेस करनी है, हमने सेल्फ एनालिसिस करना है, ये कोई आसान नहीं होता। अगर हम आप ईमानदारी से सेल्फ एनालिसिस करें ना, तो ये कोई इजी जॉब नहीं है। हम सभी सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, हम सभी ऐसे ही सोचते हैं। पर असल में क्या होता है, हम सब में कुछ बुरे और अच्छे ट्रेट्स होते हैं। और ये भी होता है कि हम ये ही नहीं जानते कि हम में कौन सी हिडन क्वालिटीज हैं और हम में कौन सी बैड क्वालिटीज भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और फॉल्स एटीट्यूड्स को जाने, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए पीस ऑफ माइंड। हम इस काम में टाइम डिवोट करें, अपने आप के अंदर देखें, अटेंशन दें और अपने आप पर फोकस करें। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं, तभी हम सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एनालिसिस जो है ना, वो शुरू होता है कहाँ से, नाइंग योर सेल्फ फर्स्ट। हम अपने आप को पहले जाने। नोइंग योर सेल्फ, व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट आर योर बिलीव्स, व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट यू डू वेल एंड व्हाट यू डू नॉट डू वेल। Knowing yourself is important because only then can you actually measure your strengths and weaknesses. हमें ये जरूरी है कि हम अपने बारे में जानें कि हम क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर ओपिनियंस क्या हैं, ठीक है, और हम कौन सा काम अच्छी तरह कर सकते हैं, कौन सा काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप को अच्छी तरह जान लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मींस लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इन अदर वर्ड्स, बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मींस नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ्स, hidden talents, skills and even weaknesses. जब हम strength and weakness analysis करते हैं ना, तो हम इसमें ये नहीं देखते कि मेरा नाम क्या है या मेरी qualification क्या है या मेरे दूसरों के साथ जो relations हैं वो कैसे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम अपने अंदर की जो strengths हैं, हम में जो छुपे हुए talents हैं, जो skills हैं, और यहाँ तक कि हमने अपनी weaknesses के ऊपर भी focus करना होता है। Examples of strengths: I am good at creative writing. I am confident of speaking in front of an audience. I play cricket very well. Examples of weaknesses: I find it difficult to solve mathematics problems. I cannot speak English fluently. Strengths की कुछ example हैं, जैसे मैं बहुत अच्छी handwriting लिख सकता हूँ, मैं stage पर जाकर अच्छी तरह से लोगों के सामने स्पीच दे सकता हूँ, और थर्ड एग्जांपल है मैं क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से खेल सकता हूँ। और वीकनेस की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सपोज करो मैं मैथ में वीक हूँ,
ठीक है, मैं जो है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे बहुत परेशानी आती है, और नेक्स्ट वीकनेस जो हो सकती है हमारी कि मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली आसानी से तेजी से नहीं बोल पाता। बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स वी कैन, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो क्या होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा काम हम कर सकते हैं और कौन सा काम हम नहीं कर सकते। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लान द नेक्स्ट स्टेप्स, कि आगे हमें क्या करना है इसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों सोचना है, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो हमें क्या होता है, बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू, और जो भी कोई काम करते हैं उसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये काम कर पाएंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। नेक्स्ट, फाइंडिंग वीकनेसेस, फाइंड आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू। Be open to feedback and accept your weaknesses without feeling low about it. Take it as an area of improvement. अब हमने identify करना है कि हमारी strengths और weaknesses कौन सी हैं। इसके लिए कुछ techniques हैं। पहले करते हैं कि हमने अपनी strengths यानी abilities को देखना है कि हमें कौन सी strengths या abilities हैं। पहला है कि हम देखें कि हम कौन से काम को अच्छी तरह कर पाते हैं और successful रहते हैं उसमें। फिर हमने देखना है कि दूसरे लोग हम में क्या देखकर हमें पसंद करते हैं, वो किस लिए हमें अच्छा लग, वो हमें क्यों पसंद करते हैं। और तीसरा है कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में सोचें। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो हमने अपनी वीकनेस को देखना है, तो हमें क्या देखना है कि कौन से एरियाज हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपने देखना कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वेयर यू स्ट्रगल, यहां आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और आपको मुश्किल आती है। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि लोग आपके बारे में अक्सर क्या फीडबैक देते हैं, कि आपको अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं, आपने फीडबैक देखनी है। अगर जो भी कोई फीडबैक होती है उसके बारे में ओपन रहे, ओपन का मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है, जो मेरे बारे में कोई भी कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम में कोई अगर वीकनेस है, अगर कोई हमारी वीकनेस के बारे में हमें बोल रहा है, तो हमें इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें चाहिए कि जो हमारी वीकनेस है हम उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे स्टेप्स लें। यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वंस यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन हियर। व्हाट डू आई डू बेटर देन अदर्स? व्हाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी? व्हिच प्रोजेक्ट्स एंड टास्क सीम टू ड्रेन माय एनर्जी? वेयर डू आई वरी? Where, how and why do others perform better than me? What advice for improvement do I often receive from others? After you have spent some time honestly assessing your strengths and weaknesses, it's time to get input from those closest to you, your mentor, close friends or family members. यहाँ कुछ questions दिए गए हैं। अगर हम इन questions के answer अपने आप में find करते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर पाता हूं, यानी कि कौन कौन से हो सकता है बच्चे के तौर पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां पर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता हूं। दूसरा है कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा क्यों करते हैं। तीसरा है कौन से प्रोजेक्ट्स और टास्क, हो सकता है इनको सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, सीम टू ड्रेन माई एनर्जी, कौन से सब्जेक्ट्स टास्क या प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें मेरा बहुत सारा समय लग जाता है, जहां पर मेरी बहुत सी एनर्जी लग जाती है, और कहां कहां मुझे टेंशन होती है, कौन से सब्जेक्ट्स में सपोज करो वरी होती है। अगला पॉइंट है कि दूसरे बच्चे या स्टूडेंट या दूसरे लोग मेरे से परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, वो कहां कहां बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मेरी कहां कमी है, क्या मैं हार्डवर्क कम कर रहा हूं, क्या मुझे सब्जेक्ट अच्छी तरह नहीं समझ आ रहा,
क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए, मतलब कि सोचना है कि दूसरे परफॉर्म क्यों बेटर कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट है कि लोग जो मुझे इंप्रूवमेंट करने के लिए जो भी सलाह देते हैं वो किस पॉइंट पर देते हैं उसके बारे में सोचना कि कौन कौन सी डिवाइसेज मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट के लिए लोगों से मिल रही हैं। अगर आप ऑनेस्टली कुछ थोड़ा सा समय अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करने के लिए स्पेंड करें तो इससे क्या होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगा सकेंगे। इस और इससे आपको यह भी चाहिए कि आप अपने मेंटर जो कि आपका टीचर भी हो सकता है, अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी पूछें कि हम में आप कौन कौन सी वीकनेसेस को देखते हैं ताकि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इंटरेस्ट, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। नंबर टू, थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट। नंबर थ्री, थिंग्स यू वॉन्ट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। एबिलिटीज, एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी एनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। व्हेन योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटी, यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। फॉर एग्जाम्पल, यू मे लाइक म्यूजिक बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग। इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम अ सिंगर। यहाँ पर इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में डिफरेंस दिया गया है। इंटरेस्ट क्या है, हम सपोज करो हम फ्री हैं और हम फ्री टाइम में जो भी काम करना पसंद करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, या कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में भी करना चाहते हैं और कुछ लर्न करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है ना, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। एबिलिटी क्या होती है, कोई अक्वायर्ड या नेचुरल कैपेसिटी, कोई मतलब कि हम में कोई गुण है जो अक्वायर्ड भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। इस एबिलिटी, ये एबिलिटी हमें क्या करती है, ये हमें इनेबल करती है, हमें उस काम को करने के योग्य बनाती है। कौन से काम को, कोई पार्टिकुलर जॉब या कोई टास्क हो सकता है, अच्छी तरह जो भी काम हम कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी के कारण ही होता है कि हम उस काम को अच्छी तरह कर पाते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट हमारी एबिलिटी से मैच नहीं करते तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए या उस काम को छोड़ देना चाहिए। जैसे सपोज करो हमें म्यूजिक पसंद है पर हो सकता है कि हम सिंगिंग जब बोलते हैं तो हमारी टोन या वॉइस या एसेंट प्रॉपर ना हो, ऐसे में क्या करना चाहिए, हम अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, अच्छे सिंगर बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमारे एसेंट नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेल्फ मोटिवेशन। द टॉपिक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन इज नॉट सिंपल। यूजुअली मोटिवेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय मैनी थिंग्स both internal and external, such as desire to do something, love with someone or need of money. Self-motivation occupies an important place in the list of self-management skills. Self-motivation is the force or motivation which comes from within and pushes you to do things and to achieve success in business and personal life. Self-motivation ka jo topic hai ये सिंपल नहीं है। जो मोटिवेशन है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लोग जो होते हैं मोटिवेटेड होते हैं वो कई बातों से मोटिवेटेड होते हैं जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जैसे कौन सी मोटिवेशन, डिजायर टू डू समथिंग, हम कुछ कर पाना चाहते हैं, या हमें हो सकता है पैसे की जरूरत हो। सेल्फ मोटिवेशन जो है ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में एक इम्पोर्टेंट रोल या इम्पोर्टेंट प्लेस है सेल्फ मोटिवेशन का। सेल्फ मोटिवेशन है क्या, ये एक फोर्स है, ये मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आती है और आपको पुश करती है, आपको कहती है कि आप ये काम करें और जिंदगी में और बिजनेस लाइफ में सक्सेस अचीव करें। द स्टूडेंट हु ओनली कंप्लीट्स हर होमवर्क बिकॉज हर पेरेंट्स रिमाइंड हर और स्कोल्ड हर, शी इज नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। But the student who completes her homework with no pushing because she wants to learn and succeed in school is self-motivated. No matter what people say or do to hurt or harm you, remember that being self-motivated will always give you the boost to stand above all of them. यहाँ दो स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल दी गई है।
एक में क्या है कि एक के पेरेंट्स उसको बार बार याद करवा रहे हैं कि आप स्कूल का काम कर लो, कुछ थोड़ा सा पढ़ लो, या उसको गुस्से होकर कह रहे हैं पर बच्चा काम नहीं कर रहा। यहाँ क्या है, बच्चों को रिमाइंड कराया जा रहा है कि काम करने के लिए। इस तरह वो बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप में काम नहीं कर रहा, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो अपने आप घर जो स्कूल का काम होमवर्क मिला हुआ है वो अपने आप कर रहा है विद नो पुशिंग, उसको कोई पुश नहीं कर रहा, पेरेंट्स नहीं कह रहे, ठीक है। पर वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है सीखना काम को और चाहता है कि स्कूल में वो सक्सीड हो, वो सफल हो जाए एग्जाम्स में। वो बच्चा क्या है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। नो मैटर व्हाट पीपल से इस बात की परवाह ना रखें कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और वो आपको हार्म करने के लिए या हर्ट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगी और आप दूसरों से अलग होकर एक जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करोगे। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू क्लास एवरी डे दिस सेमेस्टर सो दैट आई कैन लर्न एज मच एज पॉसिबल। इंटरनल मोटिवेशन इज सीन व्हेन ए पर्सन अंडरटेक्स एन एक्टिविटी बिकॉज यू एंजॉय इट और बिकॉज यू फाइंड इट सेटिस्फाइंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज व्हेन वी आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म अ बिहेवियर और एंगेज इन एन एक्टिविटी बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न मनी, ट्रॉफीज, मेडल्स, न्यू क्लोज, प्रेज, स्टेटस, इंसेंटिव और देयर इज फियर ऑफ पनिशमेंट। हियर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड योर सेल्फ। एक्सटर्नल मोटिवेशन मे कम फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, स्पाउस, फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, माई एम इज टू अचीव फर्स्ट रैंक इन कॉलेज एग्जामिनेशन सो डेट माई पेरेंट्स विल बाय मी अ कार। यहाँ पर मोटिवेशन की टू टाइप्स दी हुई है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। पहले करते हैं इंटरनल मोटिवेशन क्या है। इंटरनल मोटिवेशन का मीनिंग होता है वह मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है। इसकी एग्जांपल है कि मैं हर रोज स्कूल में जाऊंगा और क्लास अटेंड करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकूं। ये क्या एग्जांपल है, अपने आप के अंदर से फीलिंग आ रही है सीखने के लिए, यह है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कब होती है, जब कोई पर्सन कोई काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह उस काम को इंजॉय करता है या उस काम को करने में उसे खुशी मिलती है, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये होगा इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन तब होती है जब आप कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं या किसी पार्टिकुलर वे में बिहेवियर करते हैं, उसके लिए आपको बाहर से पुश किया जाता है। वो क्या हो सकता है, सपोज करो आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में बहुत सा पैसा अर्न करूं, या बच्चा है वो कहता है मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा अंक मार्क्स हासिल करूं एग्जाम में ताकि मुझे स्कूल में ट्रॉफी मिले, मेडल्स मिले। और हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कहें कि अगर आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो मैं नए क्लोथ्स लेकर दूंगा, रिवार्ड हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी न्यू क्लोथ्स, या आप प्रेज के लिए या स्टेटस रैंक के लिए या इंसेंटिव के लिए। जैसे आपका बॉस है वो आपको कहता है कि आपका इतना, अगर सपोज करो आप इंश्योरेंस में है कि आप इतना प्रीमियम कर दोगे या आप अपना इतना बिजनेस ले आओगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा या आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और देयर इज फियर ऑफ पुनिशमेंट, या हो सकता है आपको पुनिशमेंट का फियर हो। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहें कि अगर इस बार आप फेल हुए ना एग्जाम में तो मैं आपको बहुत ज्यादा पुनिशमेंट दूंगी, या आपको आपकी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। ये पुनिशमेंट है, आपको पुनिशमेंट ही है ना एक तरह की। यहाँ पर जो मोटिवेशन है ये बाहर से आ रही है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना वो कहीं से भी आ सकती है, जैसे पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बॉस की तरफ से, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स की तरफ से, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम आपको कार लेकर देंगे अगर आप कॉलेज में फर्स्ट रैंक आएगा आपका, ठीक है। यहाँ जो कार है ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आपको रिवार्ड है कि अगर आप इतना लेके आए स्कूल में या कॉलेज में फर्स्ट आओगे तो आपको कार लेकर देंगे। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, आप अपने आप कुछ नहीं कर रहे, आप कार के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन की। पहली इंटरनल मोटिवेशन, आप किसी स्पोर्ट्स में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं
क्योंकि आपको वो जो स्पोर्ट्स है, जो खास गेम है जो आपको वो इंजॉयबल लगती है, सपोज करो जैसे क्रिकेट ही हो गई, दूसरी है एग्जांपल कि आप एक कमरे को, अपने रूम को इसलिए साफ करते हो क्योंकि आपको सफाई पसंद है, क्योंकि आप सफाई रखनी पसंद करते हो, और तीसरा है आप जो वर्ड पजल है जो होते हैं न्यूज़पेपर्स में पजल आए होते हैं कि आप इसको वैसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप इसको सॉल्व करने में आपको एक्साइटिंग लगता है, आपको फन मिलता है, ये चैलेंज महसूस होता है अपने आप में। और चौथी एग्जांपल है कि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसको पढ़ने में मजा आता है, फैसिनेटिंग है ये। और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है कि आप इस किसी भी स्पोर्ट्स में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हो कि आपको अवार्ड मिलेगा। इंटरनल मोटिवेशन में क्या था, वहां पर सिर्फ आप इंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां आप अवार्ड के लिए या मनी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। इंटरनल मोटिवेशन में क्या था, आप अपने रूम की सफाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि आप सफाई पसंद है, पर यहां एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप इसलिए कमरे की सफाई करना चाहते हैं ताकि आपके माता पिता आपको रेप्रीमांड ना करें, यानी कि आपसे गुस्सा ना हो, ठीक है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप कॉम्पिटिशन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। और अगला पॉइंट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले में था कि क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को वो आपके लिए अच्छा लगता है, आपको फैसिनेटिंग है, वो आपको इंजॉयमेंट होती है, जैसे नावल कोई भी चीज पढ़नी है, इंटरनल मोटिवेशन है आपकी। पर एक्सटर्नल मोटिवेशन में आप क्या है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए या क्लास में मैं टॉप करूं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। नंबर 1, परसिस्टेंट एंड डिटरमिंड, दे डोंट गिव अप एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। नंबर 2, हम्बल एंड विलिंग टू एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। नंबर 3, ऑलवेज पैशनेट एंड एनर्जेटिक, मिस्टर ई श्रीधरन, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वॉज ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन। With his dedication and respect for others, he motivated his team to work hard and achieve results. यहाँ पर self-motivated people की qualities के बारे में कुछ discussion की गई है। पहली है persistent and determined। जो self-motivated person होते हैं ना, वो हमेशा determined रहते हैं, strong रहते हैं, अपने असूल पर, अपने goal पर determined रहते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम, अगर सपोज करो पहले प्रॉब्लम आ गई, कई लोग होते हैं काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, भाई ये काम ट्रबल वाला है, मैं इस काम को नहीं करूंगा। पर जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो कोई भी ट्रबल आने पर जल्दी से नहीं छोड़ते, वो उस काम में लगे रहते हैं। सेकंड पॉइंट है हम्बल एंड विलिंग टू एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग। वह अगर कोई उनसे कोई गलती हो जाती है तो वह हम्बल होते हैं और अपनी मिस्टेक्स को विलिंग होते हैं मानने के लिए कि ठीक है जी मुझसे गलती हुई, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। और तीसरा पॉइंट है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं वे हमेशा पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है मिस्टर ई श्रीधरन की, वे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में एमडी रहे हैं पहले, वे एक बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड और एनर्जेटिक पर्सन थे, वो उन्होंने अपनी डेडिकेशन बहुत काम में दिखाई और उन्होंने अपने काम के बदले में लोगों से बहुत रिस्पेक्ट भी हासिल की। उन्होंने अपनी जो अपनी नीचे की टीम थी जो उन कारपोरेशन में मेट्रो रेल कारपोरेशन के नीचे जो उनके अंडर काम करते थे लोग, उन सभी को मोटिवेट किया किसके लिए कि वो भी हार्ड वर्क करें और लाइफ में आगे बढ़े। 4, मेक मिस्टेक्स एंड दे फेल बट दे डोंट गिव अप। स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ही स्टार्टेड बट ही डिड नॉट क्विट। ही फॉलोड हिज पैशन, founded another company and eventually that company was acquired by Apple and he got back into Apple. 5th, absolutely clear about what they want. They ignore the naysayers. They are so driven that they ignore the rest of the world. When Arnold Schwarzenegger decided that he wanted to be famous in the bodybuilding world, people laugh at him. But he ignored them and went on to win the Mr. Olympia title. 4th point, जो successful, जो self-motivated people होते हैं उनमें क्या होता है कि वो भी गलतियां करते हैं। मनुष्य जो है, कोई भी person है, वो गलतियों का पुतला है। उन जो self-motivated people होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, वो भी fail हो जाते हैं अपने mission में, कई बार वो अब successful नहीं हो पाते। But they don't give up, पर वो छोड़ नहीं देते, अपने goal की तरफ धीरे धीरे लगे रहते हैं।
आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स का, वे अमेरिका के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं। उनको उनकी कंपनी जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसी से ही निकाल दिया गया, पर उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अनदर कंपनी को फाउंड किया, यानी कि अनदर कंपनी स्टार्ट की, और बाद में वही कंपनी जो है एप्पल ने एक्वायर की, और वह उस कंपनी में इन्होंने पहले एप्पल कंपनी ही बनाई थी स्टीव जॉब्स ने असल में, और बाद में ये उसी कंपनी में द्वारा गए और उस कंपनी के सीईओ चेयरमैन तक रहे। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हमेशा अपने गोल की तरफ क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या चाहिए। दे इग्नोर नेसियर्स, वे दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर करते हैं कि दूसरे दुनिया क्या कह रही है, वो उसके बारे में परवाह नहीं रखते। आपने नाम सुना होगा एर्नोल्ड स्क्रैंजर, वो कौन थे, वो ऑस्ट्रिया में बोर्न हुए थे और वे एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर रहे हैं और उनका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम रहा है और वो कैलिफोर्निया के गवर्नर के डेजिग्नेशन पर भी रहे हैं। जब एर्नोल्ड स्क्रैंजर ने डिसाइड किया कि वह बॉडी बिल्डिंग के वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया, लोगों ने उनको इग्नोर किया, पर बाद में उन्होंने क्या किया, उनके पास सेल्फ, वो अपने आप में डिटरमिंड थे कि मैं बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड में अपना नाम कमाऊंगा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की और बाद में उनको मिस्टर ओलंपिया टाइटल भी मिला बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। After he made his name in the bodybuilding industry, Arnold wanted to get into the movie industry. People told him that it was impossible because his accent was funny, his body was too bulky, and that his name was too difficult to pronounce. Did he listen to them? No, he ignored the naysayers and moved on to pursue his dreams of becoming a Hollywood actor. And he did. Thus, if you want to be a self-motivated person, don't listen to what others tell you how you should live your life. Instead, choose to listen to yourself, follow your heart and pursue your dreams, and let the rest of the world admire your success after death. जब एर्नोल्ड स्क्रैंगर ने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में अपना नाम कमा लिया तो वो चाहते थे कि मैं मूवी इंडस्ट्री में भी जाऊं, वहां फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाऊं। लोगों ने उनसे कहा कि आपका एसेंट, जो बोलने का तरीका है, वो फनी है, आपकी बॉडी जो है बहुत भारी है, बल्कि है, और आपका नाम बोलना भी ना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्या उन्होंने इस बात उन लोगों की बात को सुना? नहीं, उन्होंने लोगों की बात को इग्नोर किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगे बढ़ना शुरू किया, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हॉलीवुड के तो एक्टर के तौर पर बहुत नाम कमाया। इस तरह अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, इस बात की ना परवाह करें कि लोग क्या कह रहे हैं, अपने मन की बात सुने और जो आपके ड्रीम्स हैं, अपने गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़े, और बाद में दुनिया देखेगी कि आप दुनिया में बहुत एक लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं है, आपके तो जो क्लास 10 है उसमें सिर्फ ए श्रीधरन की एग्जांपल थी, मैंने इसमें दो और जोड़ दी, स्टीव जॉब्स, एर्नोल्ड स्क्रैंगर की। क्यों जोड़ी? कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि आपने, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था और आप उसको पूरा किया। हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि आप जो है सक्सेसफुल पर्सन जो है लाइफ दुनिया में, स्टीव जॉब्स या कोई और भी है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, उनको पढ़ें और अपने आप में भी एक सेल्फ मोटिवेशन लाएं कि वो जो है वो कैसे सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, उन्होंने कौन कौन से तरीके अडॉप्ट किए। अगर आप उन लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे सक्सेसफुल पर्सन की, तो तभी आप जिंदगी में कुछ आगे पढ़ पाओगे। आप, हम क्या करते हैं आजकल, टाइम स्पेंड कर देते हैं, फेसबुक देखने के लिए हमारे पास टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, या फ्रेंड का फोन आ गया, आधा आधा घंटा फोन करते रहे, पर हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम कुछ अच्छे लोग, सक्सेसफुल पर्सन जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, उनके बारे में भी कुछ लिटरेचर पढ़ें। हमें चाहिए कुछ 5-10 मिनट इसके लिए भी डिवोट करें, उनकी गूगल पर सर्च करें, और अगर हम किस लिटरेचर को पढ़ेंगे
तो हम अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो जाएंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि ये हमारी पढ़ाई बोरिंग है। हमें अपने आप में से अंदर में से इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि यार अगर वो कर सकते थे तो हम क्यों नहीं? क्यों नहीं कर सकते। हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोगों दूसरे जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको उनको फॉलो करें ताकि आप भी अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसको आगे अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। Ways to improve or increase self-motivation or building self-motivation. We can increase self-motivation in the following ways. Number one, find different sources of motivation and inspiration. Music, books, activities. Number two, spend time with motivated and supportive people. Third, positive thinking. Fourth, live in present. Fifth, identify your strengths and weaknesses and work on them. Sixth, make the best use of available time. अब हमारे पास टॉपिक है कि हम सेल्फ मोटिवेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं या वेज दिए हुए हैं। पहला है कि हमें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन के डिफरेंट सोर्सेज को का पता लगाना है। हो सकता है हमें इंस्पिरेशन या मोटिवेशन म्यूजिक से मिले, बुक्स, हम अच्छी अच्छी सेल्फ मोटिवेशन पर किताब पढ़ सकते हैं, या अच्छे सक्सेसफुल जो पर्सन हुए हैं लाइफ अपनी लाइफ में या दुनिया भर में उनके बारे में कुछ पढ़ें। इससे हमारे अपने आप अंदर में सेल्फ मोटिवेशन आएगी। और अगला पॉइंट है कि हम मोटिवेटेड और सपोर्टिव, जो लोग सपोर्टिव होते हैं उनके साथ समय स्पेंड करें ताकि हमें भी जो है पॉजिटिव एनर्जी आए। हमारे अगला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें अपनी सोच जो है ना वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर नहीं डिवोट करनी, हमें पॉजिटिवली थिंक करना है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमें भगवान ने हर एक को दो आंखें, दो पैर, दो हाथ, एक मुंह दिया है। अगर वो दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है कि हमें ना प्रेजेंट में रहना चाहिए। हम ये नहीं कि पास्ट में हमारे साथ उसने ये किया था वो किया था, पास्ट में ना रहे, प्रेजेंट में रहे और आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और जो हमारी वीकनेसेस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारे पास टाइम है उसका बेस्ट अवेलेबल यूज करना चाहिए। ये नहीं हम सारा जो टाइम है वीडियो गेम्स में लगा दें, फेसबुक, ट्विटर, इन सब बातों पर लगा दें। हमारा जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो इस समय जो काम है ना, वो ये नहीं कि कह रहे कि आप उसको छोड़ ही दें, दुनिया से नाता ही तोड़ लें, फेसबुक और ट्विटर कुछ भी ना देखें, देखें सब कुछ देखें, पर प्रॉपर टाइम, थोड़ा टाइम उसको भी दें। और ज़्यादा टाइम जो आपका मेन मोटिव इस समय है वो है पढ़ाई, आपको जो एजुकेशन है, क्योंकि हर कोई आपकी तरफ, आपके माता पिता, टीचर्स, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। आपने अपना जो भी अवेलेबल टाइम है वो इसकी तरफ, एजुकेशन की तरफ डिवोट करना है। सेवन, do not spend too much time on internet surfing, Facebook posting or making personal calls. 8. Take planned and well-earned breaks to stay refreshed and motivated. 9. Get help when you need it and be willing to help others succeed. 10. Keep learning and acquiring knowledge. 11. Remember that nothing is impossible. We can encourage self-motivation in students by taking a genuine interest in the students, staying flexible and acting friendly. ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमें ये नहीं कि सारा दिन हम इंटरनेट सर्फिंग करते रहें या फेसबुक पर ये देखते रहें कि किसने क्या पोस्ट डाला है, और जो फोन कॉल है अगर कोई आ गया तो उस फोन को ही अटेंड करते रहें सारा दिन। थोड़े से थोड़ा, कम से कम टाइम इन चीज़ों को दें, ज़्यादा टाइम ना दें। और अगला पॉइंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसके बीच में ना थोड़ा सा ब्रेक, 5-10 मिनट का ब्रेक लें कोई भी काम करने करते हैं उसके, तो इससे क्या होगा हम रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। हम जो हमारे मन में कुछ थकान हो जाती है ना कई बार, वो थकान दूर हो जाती है और हम फिर से चार्ज हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हमें जब किसी की हेल्प चाहिए, सपोज करो हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, हम अपने टीचर से, अपने पेरेंट से, अपने साथी से, किसी से पूछ सकते हैं। और हमें ये भी होना चाहिए कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम भी उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगला पॉइंट है कि हमें लर्निंग, कीप लर्निंग
और अक्वायरिंग नॉलेज, हम जो नॉलेज है हमें कुछ ना कुछ हमेशा रीडिंग करते रहना चाहिए। आज आपके पास गूगल है मोबाइल पर, उसको सर्च करें और किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो उसको सर्च करें। और हमेशा चाहिए कि आप किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई सब्जेक्ट के बारे में सर्च करते रहें और अपनी नॉलेज को कोई भी फील्ड में हो वो बढ़ाते जाएं। इससे आपको अल्टीमेटली जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा ही होगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, हमें जो चाहिए टीचर्स को क्या चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ मोटिवेशन उनमें इनकरेज करना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, वो अपने स्टूडेंट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लें, स्टेइंग फ्लेक्सिबल, उनके प्रति फ्लेक्सिबल रहें और उनके प्रति दोस्ताना व्यवहार रखें। ये नहीं कि हार्ड टीचर की तरह एक्ट करें, बल्कि फ्रेंडली, ठीक है बताओ अगर आपको कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल आवर ओन बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स, अल्टरिंग देम इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। सेल्फ रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रेगुलेट्स रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट। इट गिव्स अस द एबिलिटी टू काम डाउन आफ्टर समथिंग अपसेटिंग। It helps us in focusing on a task. It helps us to behave in socially acceptable ways. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। सेल्फ रेगुलेशन का मीनिंग होता है कि हम अपने बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल कर सकें और ऐसे बिहेव कर सकें जैसे कि सिचुएशन है उसकी क्या डिमांड है, उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने बिहेवियर, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करना या मैनेज करना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सेल्फ रेगुलेशन ही है जो हमारी फ्रस्ट्रेशन, जो हम कई बार हो जाते हैं उसका जो रिएक्शन है ये उसको कंट्रोल करना सिखाता है। सपोज करो हम एग्जाम में पियर हुए हैं और एग्जाम में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हुए हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और ऐसे में हम जो रिएक्शन करेंगे, हो सकता है हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाए, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने में ये सेल्फ रेगुलेशन ही हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी पॉइंट पर, हो सकता है हमारे माँ बाप ने किसी बात पर हमें डांट लगाई हो और हमें गुस्सा आ गया हो, और इस सिचुएशन में ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ये हमें काम डाउन, बल्कि कूल डाउन होने में हेल्प करता है। ऐसा भी हो सकता है हम कहीं जा रहे हो और हमारा किसी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हो जाए, उस सिचुएशन में हमें ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो उस सिचुएशन में भी जो सेल्फ रेगुलेशन है हमें काम डाउन रहने में हेल्प करता है। ये सेल्फ रेगुलेशन ही है जो हमें किसी टास्क पर, जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सभी सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें एक एक्सेप्टेबल वेज के रूप में, मतलब कि अच्छे तरीके से समाज में व्यवहार करना पड़ता है, बिहेवियर करना पड़ता है, और ये जो सेल्फ रेगुलेशन ही है ये हमें सिखाता है कि हमें सोसाइटी में कैसे मूव करना है। The best way to help your child learn to self-regulate is to provide support when he needs it. It might be hard for your child to behave well. For example, the shop we are going to visit has lots of things that can break. Give your child a gentle reminder as you enter the shop. You can say your child, remember, just looking, okay. Praise your child when she shows self-regulation and manages a tricky situation. Try to model self-regulation for your child. For example, show your child how you can do a frustrating task without getting upset. You could say something like, wow, that was hard. I am glad I did not get angry because I might not have been able to do it. हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीख सकते हैं हम। इसके लिए क्या है कि माता पिता, पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चों को किसी समय पर सपोर्ट की जरूरत है हम उनको सपोर्ट करें। इसकी एक एग्जाम्पल है कि आमतौर पर बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, वो किसी शॉप में जाते हैं तो हो सकता है किसी थिंग्स जो वहां पर
पड़ी होती हैं उनको हाथ लगाते हैं, वो इधर उधर गिर पड़ती है। सपोज करो आप किसी शॉप में गए हैं और वहां पर ग्लास आइटम्स ना डिस्प्ले पर बहुत सी पड़ी है, अगर बच्चा आपका वहां पर किसी भी ग्लास आइटम को हाथ लगाएगा हो सकता है वो गिर पड़े। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे को शॉप पर एंटर करने से पहले ही एक बार रिमाइंड करा दें कि देखो हम दुकान में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा हाथ ना लगाना, ठीक है। और जब आपका बच्चा सेल्फ रेगुलेशन करता है, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल रखता है और जैसे आपने कहा ऐसे बिहेव करता है, तो उस समय आपको भी चाहिए कि दुकान से बाहर आकर उसकी प्रेज करें, प्रशंसा करें कि ठीक है मैंने जो आपको समझाया था आपने उसी तरह ही एक्ट किया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेल्फ रेगुलेशन सीखे, तो इसके लिए क्या होगा, हमें अपने आप को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जैसे हम सपोज करो कोई काम कर रहे हैं वो बहुत ही हार्ड था, मुश्किल था, पर हम अपसेट नहीं हुए और उस काम को कर दिया, बच्चों के सामने उस काम को करके दिखाया। और हम इस सिचुएशन में हम अपने बच्चे को कह सकते हैं कि देखो काम तो बहुत मुश्किल था, मैं खुश हूं कि मैं उस काम को कर पाया, अगर मैं अपसेट होकर इस काम को करता, अपसेट हो जाता, तो मेरे से ये काम नहीं होना था। बच्चा जब देखेगा कि आप हार्ड से हार्ड टास्क को भी आसानी से बिना फ्रस्ट्रेशन के कर पाए हैं, तो वो अपने आप सेल्फ रेगुलेट होगा। Goals and setting smart goals. A man was traveling and stopped at an intersection. He asked an elderly man, "Where does this road go?" The elderly person asked, "Where do you want to go?" The man replied, "I don't know." The elderly people said, "Then take any road. What difference does it make?" How true is that? When we do not know where we are going, any road will take us there. So in life, we need to have a clear vision of what we will do and where we want to go. यहाँ एक example दी गई है जिससे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम जो life में goals set करते हैं उसे क्यों set करना चाहिए, goals की importance ही क्या है। इसमें बताया गया है कि एक आदमी एक सड़क पर जा रहा था, एक चौराहे पर रुक गया और उसने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि ये सड़क कहाँ जाती है। बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो जो कार चला रहा था उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो फिर बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया कि आप कोई भी सड़क पकड़ लें, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आपने जाना कहाँ था, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में ये ही नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आपका कोई गोल ही नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और आपका ये डे टू डे गोल भी हो सकता है कि आप कल को क्या करना चाहते हैं या परसों क्या करेंगे या आपने एक साल में क्या करना है, आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। गोल्स, दे आर ए सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम। For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date. Goal setting. It is all about finding and listing your goals and then planning on how to achieve them. Setting goals gives you long-term vision and stay motivated. It helps you to organize your time and your resources so that you can make the most of your life. Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Tony Robbins. यहाँ पर goals की जो है definition दी गई है और ये बताया गया है कि suppose करो हम अपनी pocket money को save करके एक mobile phone खरीदना चाहते हैं, suppose करो एक महीने में या एक साल में, तो ये क्या है, हमारा goal है, हमारा goal क्या है, हम एक mobile phone खरीदना चाहते हैं। इसी तरह हमारे life के different गोल्स हो सकते हैं, जो ड्रीम्स जो है हमारे उनको गोल्स कहते हैं। अब पॉइंट आ गया गोल सेटिंग, हम अब लाइफ में हमारे कई गोल्स हो सकते हैं कि हमें हमारे पास सपोज करो इतनी मनी होनी चाहिए, हमारे पास एक सुंदर सा घर होना चाहिए, हमारे पास एक कार होनी चाहिए, या हम लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं या आर्मी में अच्छी पोस्ट में जाना चाहते हैं। हमें क्या है, गोल सेटिंग में क्या होता है, हम अपने जो गोल्स हैं वो फाइंड करते हैं और उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें फिर देखना होता है कि हम इनको कैसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उन गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने टाइम को
और अपने रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मीनिंग होता है जैसे मैन पावर हो गई या मनी हो गई, उनको ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए हमें टाइम और रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि जो सेटिंग गोल्स जो है वो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप काहे का? इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसको हम दिखाई देने लग पड़े, उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो सेटिंग गोल्स है ये फर्स्ट स्टेप है। हाउ टू सेट गोल्स और व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड्स फॉर और व्हाट इज द स्मार्ट मेथड टू गेट गोल्स टू सेट गोल्स। पीपल दैट सेट स्मार्ट गोल्स आर मोर सक्सेसफुल देन दोज हु डोंट। Setting smart goals means you can clarify your ideas, focus your efforts, use your time and resources productively, and increase your chances of achieving what you want in life. यहाँ smart goals के बारे में बताया गया है कि अगर हम अपनी life में smart goals set करते हैं तो हमारे जो successful होने के life में chances हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। Smart goals का meaning है कि हमें clear होना चाहिए कि हमारे लाइफ में क्लियर आइडियाज हमारे मन में कौन से हैं, हम कौन से हमारे गोल्स हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम उसी हिसाब से अपने टाइम और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लगाते हैं उस काम में। इससे हमारे लाइफ में जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नीचे स्मार्ट जो है एक वर्ड है, इसमें जो हर अल्फाबेट है वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एस स्पेसिफिक को, एम मेजरेबल, ए जो है वो अचीवेबल को, आर रियलिस्टिक को, और टाइम टाइमली को। ये क्या है स्मार्ट का, कि जो हमारे गोल्स हैं वो स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए, रियलिस्टिक भी और टाइमली भी। अब हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। नंबर वन स्पेसिफिक, योर गोल शुड बी वेल डिफाइंड एंड क्लियर। आई वॉन्ट टू पब्लिश मोर बुक्स, नॉन स्पेसिफिक गोल, और आई वॉन्ट टू पब्लिश 5 books every month, specific goal. Next है measurable. Your progress towards your goal needs to be measurable. An example of an immeasurable goal would be lose weight. An example of a measurable goal would be lose 14 pounds. अब हम जो smart goals थे उनमें से हर point को एक एक करके discuss करेंगे। पहला point है specific। हम जो भी goal अपनी life में बनाते हैं वो वेल डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मैं सपोज करो मैं पब्लिशर हूं और मैं मेरा काम किताबें छापने का है, और अगर मैं कहता हूं कि मैं और किताबें छापूंगा तो ये नॉन स्पेसिफिक गोल है, ये क्लियर नहीं है कि कितनी छापूंगा। पर अगर मैं ये कहूं कि मैं हर मंथ या हर वीक 5 बुक्स जो है पब्लिश करूंगा, ये स्पेसिफिक गोल है। हमारा जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरेबल। अगर हम कोई भी गोल अपना डिसाइड करते हैं कि ये मेरा गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसके लिए जो प्रोग्रेस हो रही है उस गोल की तरफ जाने के लिए वो मेजरेबल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बल्कि हूं और मैं कहूं कि मैं अपना वेट लूज करूंगा, पर मैं कितने समय में करूंगा, कितना करूंगा, ये क्लियर नहीं हुआ, ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। पर अगर मैं ये कहूं कि मैं एक मंथ में या 2 महीनों में मैं 14 पाउंड अपना लूज वेट करूंगा, तो मेजरेबल गोल है। हमारा जो गोल है वो मेजरेबल भी होना चाहिए, कि हमारी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स गोल वो मेजरेबल होनी चाहिए। थर्ड है अचीवेबल। गोल मस्ट बी अटेनेबल एंड नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। इट शुड स्ट्रेच योर एबिलिटीज बट स्टिल रिमेन पॉसिबल। Do I have the resources and capabilities to achieve the goal? Suppose I want to become a great singer, but I do not have the accent or there is some problem in my speaking. So this goal becomes unachievable. However, I can become a teacher by doing BA, BEd. So to become a teacher is an achievable goal. Next, realistic. The goal should be relevant, reasonable and realistic with given available sources. Next, example of unrealistic goal. I will read my entire year's syllabus in one day and get good marks. Realistic goal. I spend 3 hours every day of the year after school to revise my subjects
टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। और फिफ्थ है टाइम बाउंड, अ स्मार्ट गोल शुड हैव ए टाइम फ्रेम बाय व्हेन द गोल नीड्स टू बी अचीव्ड। नोट ए टाइम बाउंड गोल, आई वांट टू लूज 10 केजी समडे। टाइम बाउंड गोल, आई वांट टू लूज 10 केजी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब थर्ड पॉइंट है अचीवेबल। जो भी हम गोल डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में वह अटेनेबल होना चाहिए, ये ना हो कि हम उस गोल को कभी अचीव ही ना कर पा सकें, वो इम्पॉसिबल टू अचीव हो। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं अपनी लाइफ में सपोज करो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, ठीक है, पर जो मेरी वॉइस में बोलने में मेरे कोई प्रॉब्लम है या एसेंट जो है प्रॉपर नहीं है, तो इस जो मैंने अपना गोल अपनी लाइफ में सेट किया है कि मैं सिंगर बनूंगा वो अनअचीवेबल बन जाता है, ठीक है। पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं टीचर बनूं, इसके लिए मैं बीए बीएड कर सकता हूं या कोई और इसी तरह की इक्विवेलेंट एजुकेशन हासिल कर सकता हूं, इससे मैं टीचर बन सकता हूं। जो टीचर है ये मेरा अचीवेबल गोल है। नेक्स्ट पॉइंट है रियलिस्टिक। जब भी हम कोई गोल सेट करें वो रेलिवेंट होना चाहिए, रीजनेबल भी होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टाइम, मनी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हैं, उस रिसोर्सेज के साथ मैच करता होना चाहिए। एग्जाम्पल है अनरियलिस्टिक गोल की, कि सपोज करो मैं कहता हूं कि मैं सारे साल का जो सिलेबस है, मेरे जो भी किताबें हैं, मैं एक दिन में ही पढ़ लूंगा सारी और मेरे मार्क्स क्लास में अच्छे आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता, हमें इसके लिए सारा साल लगातार पढ़ना पड़ता है। तो ये जो एक दिन में सारा सिलेबस खत्म करने की बात है, ये अनरियलिस्टिक गोल है। आप साल के अखीर में जब आपके एग्जाम्स होते हैं तब जो आप वैसे थोड़ा समय पढ़ते हैं तो वे और बात है, पर अगर आप कहें कि सारा साल में पढ़ता हूं अखीर में जाकर पढ़ूंगा और एक दिन में सारा सिलेबस खत्म, वो अनरियलिस्टिक गोल है। रियलिस्टिक गोल की एक एग्जांपल है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं हर रोज 3 घंटे सारा साल पढ़ता रहूंगा और स्कूल से आकर अपने जो सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करूंगा ताकि मैं अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकूं, तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। जो भी हम गोल सेट करते हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने जो भी ये गोल है वो किस टाइम में, बल्कि टाइम फ्रेम सेट होना चाहिए कि किस समय के अंदर अंदर हमें ये गोल अचीव करना है। जैसे अगर मैं कह दूं कि आने वाले कुछ दिनों में मैं 10 किलो वेट अपना कम करूंगा, तो ये टाइम बाउंड गोल नहीं है। ये नहीं पता कि 10 दिनों में कर पाएंगे मैं अपना वेट कम करूंगा 10 किलो, या महीने में या साल में। जो भी हम गोल सेट करते हैं उसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि मैं आने वाले 6 महीनों में अपना जो वेट है 10 किलो कम करूंगा, यहां पर जो टाइम फ्रेम मैंने दे दिया 6 मंथ्स के अंदर ही मैंने अपना वेट कम करना है, तो ये टाइम बाउंड हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल है स्मार्ट गोल की। टाइम मैनेजमेंट, इट इज राइटली सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वी शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। There is no way to increase the time you have, but you can find ways to use your time better. People who waste time never succeed in life. Time management refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Time management refers to making the best use of time, as time is always limited. We should ask ourselves which activity is more important and how much time should be allocated to the same. Time management plays a very important role not only in organizations but also in our personal life. किसी ने ठीक कहा है कि टाइम एंड टाइड जो होते हैं वो किसी की वेट नहीं करते। हमें जो समय की कीमत है उसका पता होना चाहिए। हर एक के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम ये जो 24 आवर्स हैं इन किसी के भी, ये किसी के पास इतने ही घंटे रहेंगे 24 आवर्स, ना कोई किसी के पास कम ना किसी के पास ज्यादा। हमें क्या क्या चाहिए कि हम इन जो 24 आवर्स को हैं बेस्ट वे में यूज करें, हम जो है इस टाइम को वेस्ट ना करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, टाइम को अच्छे कामों में लगाएं और उनका बेस्ट यूज करें। हमें हर समय अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना चाहिए और मुझे किस टाइम कौन सी एक्टिविटी में कितना काम टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है
वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये 4 स्टेप्स दिए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के। पहला है प्लान एंड ऑर्गेनाइज, नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटाइज, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन से काम प्रायोरिटी में करने हैं। नेक्स्ट कंट्रोल करना चाहिए अपने एक्टिविटीज को, और जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उनकी ट्रैकिंग करनी चाहिए। हम इसको डिस्कस करते हैं 4 स्टेप्स को। 4 स्टेप्स फॉर effective time management. Number 1, plan and organize. We should plan our day-to-day activities. We should make a timetable that we follow. We should keep our surroundings and study table clean and mess-free. We should put things back where they belong. It helps us save time. Number 2, prioritize. Make the priority list of tasks as per their importance and urgency. Know the difference between important and urgent work. अब हमारे सामने effective time management के 4 steps दिए गए हैं। पहला है plan and organize। हमें जो है day to day activities, suppose करो हमने कल क्या करना है, उसके लिए हमें पहले से एक दिन advance में ही रात को ही planning कर लेनी चाहिए। हमें एक time table बना लेना चाहिए कि इस समय सुबह जब उठेंगे तो इस समय ये काम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। एज ए स्टूडेंट्स हम जो अपना घर में स्टडी टेबल है उसको और उसके आसपास जिस कमरे में हम पढ़ते हैं उसको साफ रखना चाहिए और मेस फ्री। ये नहीं कि सारी किताबें एक दूसरे पर इकट्ठी करके रखी हो और जब हम ढूंढने लगे तो हमें कोई पता नहीं लगे कि हमारे नोट्स कहाँ किस फाइल में पड़े हैं या कहाँ रखे थे। और जहां से हम किताब या कापी उठाते हैं वहां पर ही हम रख दें एक सिस्टमेटिक रूप में, ताकि जब हम उसको ढूंढने लगे तो हमें ये वो चीज आसानी से मिल जाए। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जो भी काम करने हैं स्कूल के, सपोज करो हम जो भी काम मिले हैं उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। सपोज करो मैडम ने कहा है कि ये काम आपने कल तक करके आना है, ये क्या हो गया अर्जेंट वर्क। आपको पता है कि ये कल तक करना है, ये हो गया अर्जेंट। और दूसरा काम हो सकता है इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको प्रैक्टिकल की बुक दी हो वो उसको कंप्लीट करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं है, हो सकता है आप उसको हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, 1 वीक या 10 दिन बाद भी उसकी, वो इंपॉर्टेंट तो जरूर है। इस तरह हमें पता होना चाहिए कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट। पहले हमने अर्जेंट काम करना है जिसकी इमीडिएटली काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है कंट्रोल। वी कैन कंट्रोल आवर एक्टिविटीज एंड टाइम। वी शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इंटरनेट सर्फिंग, Facebook posting or making personal calls. We should focus on more important things. Turn off social media app alerts. It is important to have peace of mind and stay focused on the task at hand. Number 4, track. We should identify and note where we have spent our time. This will help us examine if we have used our time effectively or not. It also helps us to identify time-wasting activities. People who manage their time well are more productive, more efficient, and more likely to meet deadlines. अब हमारा थर्ड पॉइंट है कंट्रोल। हम अपनी एक्टिविटीज और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे जो हैं आजकल, ज्यादातर सभी बच्चे नहीं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पर अपना टाइम काफी डिवोट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा, जहां फेसबुक पर हर समय देखते रहते हैं कि फेसबुक पर किसी ने क्या डाला है या व्हाट्सएप है वहां पर क्या मैसेज आए हैं, और अगर किसी दोस्त का फोन आ गया तो फोन पकड़ लिया और काफी समय फोन ही करते रहे। हमें चाहिए क्या, ये नहीं कि हमें इंटरनेट सर्फिंग नहीं करनी, फेसबुक नहीं देखनी या व्हाट्सएप नहीं देखनी, सब कुछ करना है, समाज से हमें कट नहीं जाना है, बल्कि हमें ये चाहिए कि इन पर कम टाइम खर्च करें, डिवोट कम टाइम करें, और हमें जो अपना हमारा मेन फोकस है वो इंपॉर्टेंट थिंग्स की तरफ देना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए एज स्टूडेंट्स क्या है, हमें अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या होता है कि कई बार आम लोगों ने, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने या आपने हर समय सोशल मीडिया ऐप जो है अलर्ट्स लगाए हों कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया या किसी और सोशल मीडिया ऐप पर कोई भी अलर्ट आए तो आपको घंटी बज जाए कि आपको पता लग जाए कि वहां पर कोई मैसेज या कोई नया पोस्ट पड़ा है। तो इससे क्या होता है, हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। इस फोकस को हम कैसे रख सकते हैं पढ़ाई में या किसी भी काम में, कि हमारे मन में पीस ऑफ माइंड हो,
अगर हम ये सोशल मीडिया ऐप के अलर्ट वगैरह को बंद कर दें और जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय इन चीजों की तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें, इन ऐप्स को के अलर्ट को बंद कर दें बिल्कुल, तो इस समय हम फोकस रह सकते हैं और कम से कम समय में भी हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक। हम सारा दिन जो काम करते हैं हमें क्या चाहिए, रात के समय देखें या एक हफ्ते बाद देखें कि हमने इतने दिनों में या एक दिन में कौन कौन से काम किए, हमने कौन कौन से काम ऐसे थे जहां पर हमने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। सपोज करो हो सकता है हम टीवी देखने में मस्त हो गए और एक फिल्म सीरीज चल रही थी कि उसको देखने में 3 घंटे लगा दिए, बाद में इंटरनेट पर कोई सर्च करने लग पड़े कोई नया सॉन्ग कुछ कुछ और भी, या व्हाट्सएप पोस्ट देखने लग पड़े। और इस समय क्या होता है, जब हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं ना तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें चाहिए रोज की रोज ये देखें कि क्या हमने ज्यादा टाइम जो अपना इन सोशल मीडिया ऐप्स की तरफ तो नहीं वेस्ट कर दिया। हमें जब हम ट्रैक करेंगे अपने रोज के कामों को तो इससे हमें टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को बारे में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब हम अपने टाइम को ट्रैक करेंगे कि हम कौन कौन से काम आज दिन में किए, तो इससे हमें क्या होगा, हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे अपने काम में, ज्यादा एफिशिएंट और मोर लाइकली टू मीट डेडलाइंस, अपने काम को कम से कम टाइम में करने में हमें हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट, प्रीचा इज ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल, शी डज हर असाइनमेंट्स इन टाइम, शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस। एग्जाम्पल ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट, सानिया अराइव्स लेट इन क्लास यूजुअली, शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट्स इन टाइम, शी स्पेंड्स मच ऑफ हर टाइम इन इंटरनेट सर्फिंग एंड प्लेस लेस अटेंशन टू हर स्टडीज। यहाँ गुड टाइम मैनेजमेंट की एक एग्जाम्पल दी है कि रिचा जो है वो स्कूल में पंचुअल है, टाइम से स्कूल में चली जाती है और जो भी उसको असाइनमेंट मिलती है वो टाइम पर पूरा करके स्कूल में सबमिट कर देती है, और जो उसने स्टडी के लिए या प्ले टाइम के लिए एडवांस में वो प्लानिंग कर लेती है, वो पहले ही प्लानिंग कर लेती है कि मैंने कितना समय पढ़ना है और कितना समय जो है वो खेल कूद में डिवोट करना है। और एक और एग्जाम्पल दी हुई है पुअर टाइम मैनेजमेंट की सानिया की, कि सानिया जो है वो क्लास में यूजुअली लेट आती है, वो अपनी असाइनमेंट्स टाइम से पूरा नहीं करती और अपना जो ज्यादा टाइम है वो इंटरनेट पर डिवोट करती है और पढ़ाई की तरफ स्टडीज की तरफ कम डिवोट करती है। ये एग्जाम्पल दी है पुअर टाइम मैनेजमेंट की। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू मेक अ डेली टाइम टेबल, नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, डिवोट मोर टाइम वेयर इट मैटर्स, यू कैन सबमिट योर होमवर्क एंड असाइनमेंट्स इन टाइम, गेट मोर ऑफ द राइट टास्क डन इन लेस टाइम एज देयर इज लेस डिस्ट्रैक्शन, मैनेज योर टाइम कैन डायरेक्टली रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपना जो भी काम हमें मिलता है स्कूल की तरफ से या हमने जो एग्जाम के लिए स्टडी करनी है उसके लिए हम एडवांस में स्टडी कर पाते हैं, प्रॉपरली कर पाते हैं और इससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जैसे अगर एग्जाम्स आ गए, आपने प्रॉपरली टाइम सारा साल डिवोट किया था अपनी स्टडीज के लिए, तो आपको आखिर में जाकर स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पता है कि मैंने सारी स्टडीज प्रॉपरली की हुई है और आपके मन में स्ट्रेस नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट से आप अपना जो डेली का एक टाइम टेबल बना सकते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं होता, और जिन एक्टिविटीज में हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना होता है उसकी तरफ हम प्रॉपर टाइम दे पाते हैं और अपना जो होमवर्क है या असाइनमेंट्स है तो वो भी पूरी तरह कर पाते हैं। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रैक्शन के, अटेंशन को डाइवर्ट करने के जो चांसेस होते हैं किसी की एक्टिविटीज के द्वारा वो कम हो जाते हैं। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इतना समय स्टडी करूंगी या करूंगा तो आप उतना समय आप पढ़ पाते हैं, पर अगर आप ये डिसाइड नहीं करते कि मैंने 3 घंटे या 4 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है तो हो सकता है कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप की तरफ लग जाएं और अपना टाइम वेस्ट कर दें और आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका फोकस जो है वो खत्म हो जाता है। Tips for practicing the 4 steps for effective time management. Prepare a to-do list, priorities, avoid delay,
और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज योर रूम। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यहाँ जो 4 स्टेप्स दिए थे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के, उनको प्रैक्टिस करने के लिए टिप्स दी हुई हैं, जैसे कि हमें टू डू लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि हमने अगले दिन क्या काम करने हैं। हमें काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है और किसको डिले किया जा सकता है। अगर हम कोई भी प्लान्ड एक्टिविटी करते हैं, सपोज करो कि हमने ये डिसाइड किया कि हम ये काम करेंगे, तो हमें उस काम को पोस्टपोन या डिले नहीं करना चाहिए। हम एज ए स्टूडेंट, हमें चाहिए कि अपने कमरे को अच्छी तरह रखें और अपनी जो बुक्स, पेंसिल और कॉपीज हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से रखें और अपने कमरे को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रखें। और हमें अपने टाइम को जो है अच्छी तरह यूज करना है। और हो सकता है कि हम किसी बस स्टैंड पर गए हैं या रेलवे स्टेशन पर गए हैं और हमें ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है, उसके आने में जो है बस या ट्रेन के आने में अभी टाइम है चलने में, तो आप उस टाइम को, जो वेटिंग टाइम को है, उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। आपके पास हर समय मोबाइल तो आपके पास होता ही है, आप अपना जो भी इंटरेस्ट, जो पढ़ाई से स्टडीज के संबंधित जो भी लिटरेचर आप चाहते हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, इंग्लिश की लिटरेचर हो सकता है, आप उसकी तरफ अपना ध्यान जो है वो उसकी तरफ लगा सकते हैं। बल्कि अपना जो वेटिंग टाइम था उसको वेस्ट नहीं कर रहे इधर उधर, और इस टाइम को अच्छी तरह यूज कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि यूजलेस एक्टिविटीज को रिप्लेस करें किससे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, ये जो इस जो 3 लेक्चर्स थे, इनमें हमने जो स्टडीज हमने की है वो थी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, जो सेल्फ मोटिवेशन, ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ये आपस में इंटर रिलेटेड थे। अगर हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे या अपने आप के टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे या अपने आप में अवेयरनेस लाएंगे कि हमारे में कौन सी गलतियां हैं या वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं, ये नहीं कि हमारे माता पिता ही कहें हमें पढ़ने के लिए तो हम पढ़ेंगे। हमें चाहिए कि अपने अंदर से मोटिवेशन आए, कि हमें अपने आप से मन से उठना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ूंगा और क्लास में अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। आपके माता पिता को तो कोई नहीं सुबह उठकर कहता कि चलो, कि आपके माता को, कि आपके मदर को, कि आप जाकर मुझे खाना बनाएं बच्चों के लिए। वो अपने आप उठती हैं और आपके लिए खाना बनाती हैं। आपके जो फादर हैं वो अपने आप काम के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना, आप इसी तरह आपके अंदर से ही मोटिवेशन आनी चाहिए कि मैंने क्लास में अच्छे नंबर लेने हैं और विद फ्लाइंग कलर्स आना है आगे। ठीक है ना, इस तरह ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। सेल्फ रेगुलेशन, हमें एक डिसिप्लिन में रहना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना है और सोशली सोसाइटी में हमें कैसे मूव करना है। अगर हम सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ लें, ये हमें एक लिटरेचर के तौर से नहीं पढ़ना कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है। हम अगर इन जो पॉइंट्स को अपनी लाइफ में असल में अपने ऊपर जो है इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉपरली टाइम मैनेज करेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है ना, सब चीजों की अपनी जो वीकनेसेस है उनको कम करने की कोशिश करें, जो स्ट्रेंथ्स है उनको बढ़ाने की कोशिश करें, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू थैंक यू।